गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैंने ये लुक ट्राई किया है जो कि किसी भी वेडिंग पर्पज पे आप कैरी करके जा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा लुक निकल के आया है। सो आई होप आपको लुक पसंद आए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना कि लुक कैसा लगा। और सो यहाँ पे मैं सेटाफिल्स का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ और इससे अपने फेस को पूरी अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये पैलेट लिया है और इसमें से ऑरेंज शेड लेके मैं अपनी अंडर आइज़ पे प्लेस कर रही हूँ एज अ कलर करेक्टर। बहुत ही अच्छा पैलेट है, आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पहले बहुत डार्क लगता है, फिर उसके बाद जब आप ब्लेंड करते हो ना तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और अच्छी कवरेज भी है इसकी। सो अब मैंने ये डार्क शेड लिया और इसे अपनी आईलिड्स पे और अंडर आइज़ पे प्लेस कर लूँगी एज अ कंसीलर। अब मैंने यहाँ लैक्मे का फाउंडेशन लिया है और इसको मैं अपने हाथों के पीछे ले रही हूँ और फिर डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही यूनिक है, आप हर किसी के पास ये फाउंडेशन होता है। सो बहुत ज़्यादा कवरेज तो नहीं है इसकी, शेयर टू मीडियम कवरेज है। आप एक दो बार बिल्ड करोगे तो मीडियम कवरेज आपको मिल जाएगी। इसको मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन की दो कोट्स अप्लाई किए थे। अब मैंने मार्स का ये लूज पाउडर लिया है इन द शेड बनाना, और ये बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है, बहुत अच्छे से हाईलाइट कर देता है आपके फेस को। सो बहुत ही मैंने हल्का सा लेके अपने आईलिड्स को बस सेट किया है इससे। मैंने इन सब चीज़ों का हॉल बनाया है, मेरा हॉल आया है मेरे चैनल पे, मैंने इनको यूज़ भी किया है इन सारे प्रोडक्ट्स को। आपने देखा नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देखना। मैं इस्यूज़ ब्यूटी का ये पैलेट ले रही हूँ, आई शेडो पैलेट, और ये पिंक शेड मैं अपने ब्रश में ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, देखना मेरे ब्रश में कितना अच्छे से ये कलर आया है। और उसके बाद मैं इसको अपनी पूरी आईज़ पर प्लेस कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो, लाइनर लगा लोगे तो भी अच्छा लगेगा ये लुक। बट मैं थोड़ा सा शिमर ऐड करना चाहती थी, सो मैंने वही इनसाइड कॉस्मेटिक कंसीलर से ही थोड़ा सा एक फ्लैट ब्रश में लेके उस कंसीलर को अप्लाई किया है। अब मैं ये मार्स का पैलेट ले रही हूँ, एक मॉवी शेड है इसमें से, वो लेके, बहुत ही क्रीमी है ये पैलेट के सारे शेड्स, तो इनको मैं अपनी आईलिड्स पे जहाँ कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे लगा लूँगी ताकि थोड़ा सा एक शिमरी इफेक्ट आ जाए। फिर मैं एक बार और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी हार्श हो तो वो ठीक हो जाए। और एक्स्ट्रा जो भी फॉल आउट हुआ है वो मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ। यहाँ मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ और इसको अपनी अंडर आइज पे प्लेस करूँगी। बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बस इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसमें मेरा शेड 4 था।
यहाँ मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये एक जेल लाइनर है जो कि म्यूज़िक फ्लार का है, ये भी मेरी हॉल वीडियो में इंक्लूडेड है। इसको मैं अपनी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छा जेल लाइनर है, बहुत ही क्रीमी है और बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है। पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है और स्टेइंग पावर भी इसकी बहुत अच्छी है। अब मैं वही सेम पिंक शेड लेकर के एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन में प्लेस कर लूँगी। अब ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो पैलेट है उसमें से एक डार्क शेड मैंने लिया है और उसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही लाइट शेड है कॉन्टोरिंग के लिए, तो ये नहीं जा सकता आप ऐसा कंसीलर या फिर ये कलर करेक्टर के हिसाब से ठीक है, बट कॉन्टोरिंग के हिसाब से नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है। मैंने इसको भी ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। यहाँ पे मार्स का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट मस्कारा है और मुझे मेबलिन के बाद अगर कोई मस्कारा अच्छा लगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एकदम लैशेस को फुल वॉल्यूम भी देता है और अच्छे से कर्ल भी कर देता है। डेफिनेटली आप इस मस्कारे को यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मस्कारा है। मैंने अपनी लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे और आई लैश पे दोनों अप्लाई किया है। अब मैं ये थोड़ा सा ऑरेंज और पिंक शेड दोनों को मिक्स कर रही हूँ और इसी से अपना ब्लश अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं मार्स का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये रोज़ गोल्ड शेड में है और इससे मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी। यूजुअली जहाँ जहाँ हम हाइलाइटिंग करते हैं, बहुत अच्छा हाइलाइटर है, देख सकते हो आप शीन कितनी अच्छी आ रही है इससे। और अपने आईब्रो पे, आईब्रो के नीचे भी मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और अपने इनर कॉर्नर्स को भी मैं हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिए, मैंने एक रेड कलर का सूट पहना था विद द गोल्डन दुपट्टा, ये सूट ऑरेलिया का है। और यहाँ पे मैं मेबलिन की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ जो कि सॉफ्ट वाइन शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है। यहाँ मिट्टी मुझे परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे सारे सामान लेके भाग जा रही थी वो, और वो मैंने अप्लाई किया है। और एक क्लचर लगाया है, सिर्फ बालों का कुछ समझ नहीं आता क्या स्टाइल करो। और यहाँ पे मेरे पास एक गोल्डन रोज था, कुछ कोम के स्टाइल में है ये, इसको मैंने फिक्स किया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।